नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं एपीएन और आज देश की बात में हम आपको सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम का साध्वी रेप केस मामले में सीबीआई के विशेष अदालत ने जो दोषी करार दिया है वो सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। राम रहीम को अंबाला जेल में रखा गया है और 28 अगस्त को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। कोर्ट में उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का निर्देश मिला है। गुरमीत राम रहीम पर लग आए कोर्ट के फैसले के बाद उसके समर्थकों ने पूरे राज्य में उपद्रव शुरू कर दिया। न केवल पंजाब हरियाणा में ही उनके समर्थक बेकाबू हुए बल्कि दिल्ली और गाजियाबाद से भी हिंसा की लगातार खबरें आ रही हैं। इनमें मंगोलपुरी, लोनी, खयाला, जीटीबी नगर, बाईपास और आनंद विहार रेलवे स्टेशन प्रमुख हैं। खबर यह है कि हिंसा में 28 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो इस पूरी खबर पर हमारी नज़र होगी और इसी बीच हमारे सूत्रों ने यह बताया है कि हिंसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सख्त नाराज हैं और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से उन्हें कहा है कि वो खट्टर से बात करें और पूरे हालात का जायज़ा लें। खास करके खट्टर से ये पूछा गया है कि उन्हें इस तरह के स्थिति का अंदाज़ा आखिर क्यों नहीं था, यानी कि राजनीतिक अपरिपक्वता की बात भी हो रही है और इसको लेकर खट्टर पर आने वाले दिन भारी पड़ सकते हैं। उधर इन तमाम खबरों के बीच आज पहली बार राज्यसभा सांसद बने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई है। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर संस्कृत में शपथ ली। अमित शाह के राज्यसभा में आने से बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। वहीं देश में विपक्ष का गैर बीजेपी महागठबंधन बनाने का ख्वाब अभी तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। कैसे, इस पर हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मायावती के बाद अब राहुल गांधी ने भी 27 अगस्त को पटना में होने वाली आरजेडी की रैली में भाग नहीं लेने का फैसला कर लिया। हालांकि ये भी खबर है कि मायावती ने कहा है कि वो रैली में भाग नहीं लेंगी लेकिन सतीश मिश्रा इस रैली में भाग ले सकते हैं। इस बीच शरद यादव इस रैली में भाग ले रहे हैं तमाम दबावों के बावजूद। तो मायावती, कांग्रेस के इस रैली से दूर रहने के क्या मायने हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यूपी में योगी के मंत्रिमंडल से कैसे किसी एक मंत्री की छुट्टी हो सकती है। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या साजिश हो रही है ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा देश के इतिहास में पहली बार 200 रुपए का नोट जारी किया गया है, इस नोट की झलक आपके सामने होगी। नीति आयोग ने अगले 3 साल के लिए निर्धारित किया है अपना लक्ष्य, लक्ष्य क्या है ये आपको हम बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर को आज अंतिम विदाई दी गई है और आज उनका कार्य का अंतिम दिन था। जस्टिस खेहर के कामकाज का आज जो आखिरी दिन कैसा रहा ये हम आपको दिखाएंगे। 27 अगस्त को जस्टिस खेहर रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस देश की बात के सफर को। और देश की बात में सबसे पहले बाबा राम रहीम की बात करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद डेरा समर्थकों ने उपद्रव शुरू कर दिया। राम रहीम के समर्थकों ने पंजाब और हरियाणा के अलावा आसपास के राज्यों में भी जमकर उपद्रव किया। समर्थकों पर काबू करने में पुलिस और सुरक्षा बलों के पसीने छूट गए। कई ऐसी जगह तो ऐसी भी रही जहां पुलिस वाले ही भागते दिखे। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और उपद्रवियों ने जहां चाहा वहां जमकर आगजनी की। पंजाब और हरियाणा की आग की आंच दिल्ली और गाजियाबाद भी पहुंच गई है। खबर है कि इस हिंसा में अभी तक 28 लोगों की मौत हो गई है और करीब 200 लोग घायल हैं। राम रहीम को दोषी क्या करार दिया गया कि उसके समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए। बाबा के गुंडों ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान तक गुंडागर्दी की, सरकारी और निजी संपत्तियों को खाक किया। राम रहीम के गुंडों ने करोड़ों की संपत्ति खाक कर दी। पंचकुला से दिल्ली तक दंगा जारी रहा। राम रहीम के समर्थकों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पंजाब और हरियाणा में कई रेलवे स्टेशनों को भी आग के हवाले कर दिया।
उपद्रवियों ने आनंद विहार में खड़ी ट्रेन में आग लगा दी तो गाजियाबाद के लोनी में और दिल्ली में टीटीसी बसों को आग के हवाले कर दिया। अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, कुछ डेथ्स हुई हैं, कुछ बर्निंग हुई है। हरियाणा डीजीपी से बात की है, वो कह रहे हैं सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में लाई जा रही है। साध्वी से यौन शोषण के मामले में सजा पाए राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा और पंजाब के अलावा आसपास के राज्यों में तबाही का तांडव मचाया। कई जगह पेट्रोल पंप और सरकारी दफ्तरों में भी आगजनी की गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की। स्थिति को काबू करने की बहुत कोशिश की। कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया लेकिन बाबा के समर्थक बेकाबू होते चले गए। डेरा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन हुआ है उसमें लगभग 12 लोगों के हताहत होने का अभी समाचार मिला है। इसके अलावा लगभग 48 इंजर्ड हैं। जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया के कुछ ओबी वैंस को जलाया गया है। सरकार और सिस्टम पर दबाव बनाने में नाकामयाब बाबा के गुंडों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। बेखौफ बाबा के समर्थक कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। बेलगाम बाबा के समर्थकों की गुंडागर्दी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए साफ कहा कि राम रहीम की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी। अदालत ने कहा कि नुकसान की भरपाई डेरा प्रमुख की संपत्ति बेचकर किया जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाबा के ये गुंडे कानून से ऊपर हैं? बाबा के गुंडों को किसने खुली छूट दी? ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सख्त नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हिंसा रोक पाने में नाकामी से पीएम मोदी खट्टर सरकार से नाराज हैं। पीएम मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम खट्टर से फोन पर बात करने को कहा और हरियाणा में हो रही हिंसा पर रिपोर्ट लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सीएम खट्टर को इस तरह के हालात का अंदाजा क्यों नहीं था। तमाम लोग जो परेशान हैं उनका अब किस तरह से ख्याल रखा जाएगा और किस तरह से स्थिति उससे वो निपट रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं। और इससे पहले आज दोपहर में साध्वी से रेप के मामले में पंचकुला के सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया। एक गुमनाम पत्र पर लिए गए संज्ञान के करीब 15 साल बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है और इसे सुनाते हुए डेरा प्रमुख को दोषी बताया है। ना तो शक्ति प्रदर्शन काम आया और ना ही बाबा होने के गुमान का कानून पर कोई असर पड़ा। यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया। अदालत से दोषी करार देने के बाद राम रहीम को अंबाला जेल लाया गया। सजा का ऐलान 28 अगस्त को होगा। हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कैसा भी धर्मात्मा आत्मा जैसा भी हो, जो उसने कर्म किए हैं और अगर वो कर्म इसके हमारे कानून के विरुद्ध हैं तो हम पकड़ी लेंगे। यौन शोषण मामले में राम रहीम पर सुनवाई के दौरान केवल 7 लोग कोर्ट के भीतर मौजूद थे। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन जैसे ही सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया, कोर्ट के बाहर मौजूद समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसके अलावा हमारी जो तमाम ऐसे रोड है, पेट्रोलिंग 24 घंटे लगातार की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। 2002 में एक साध्वी ने चिट्ठी लिखकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यौन शोषण की शिकायत की थी। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस मामले में करीब 15 साल बाद फैसला आया। मौके की नजाकत को देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सेना और पुलिस को फ्री हैंड दिया है और कहा है कि जो कोई भी बवाल करे उसके खिलाफ पूरी सख्ती बरती जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और इस बीच खबर यह है कि डेरा के लगभग 1000 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी तक 32 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, लेकिन डेरा समर्थकों का कहर जो है वो अभी भी चारों तरफ जारी है और वो जगह जगह आगजनी, पत्थरबाजी और
मारपीट कर रहे हैं। उधर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यौन शोषण मामले के अलावा कई दूसरे आरोप भी लगे हैं। डालते हैं इस विवादित बाबा पर एक नजर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम पर सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप है। मृतक रामचंद्र के स्थानीय अखबार से जुड़े थे और वो डेरा के अंदर हो रही तमाम गतिविधियों पर लगातार लिख रहे थे। साल 2001 में उनको गोली मारी गई थी और एक महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। वहीं साल 2002 में डेरा सच्चा सौदा की मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आखिरी फैसला आने से पहले ही बीते साल बाबा राम रहीम को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया था। साल 2007 में राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की तरह कपड़े पहन लिए थे, जिससे उनके खिलाफ सिख समुदाय बेहद नाराज हो गया था। कई जगहों से झड़प की घटनाएं सामने आई और 3 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2014 में डेरा सच्चा सौदा से ताल्लुक रखने वाले करीब 400 लोगों ने आरोप लगाया था कि उनको नपुंसक बना दिया गया है। ये मामला सीबीआई तक पहुंच गया था और जांच में कुछ सबूत भी पाए गए थे। साल 2014 में डेरा सच्चा सौदा आश्रम पर आरोप लगा था कि वहां पर अनुयायियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस मामले की जांच के आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का कहर कुछ ऐसा है कि पहली बार पंजाब हरियाणा में एक साथ आर्मी तैनात हुई है। उधर राजस्थान यूपी दिल्ली में भी हिंसा का कहर जारी है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर कोर्ट के फैसले का असर दूर तक दिखाई पड़ने वाला है। राम रहीम सियासत से दूर रहकर भी राजनीति का केंद्र बने रहे हैं। डेरा के समर्थकों की संख्या करोड़ों में है और हर दल उसे वोट बैंक के रूप में देखता है, लिहाजा हर छोटा बड़ा नेता मत्था टेकने डेरा जरूर जाता है। यहाँ तक कि खट्टर को जिताने में भी डेरा की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन अब जबकि डेरा प्रमुख राम रहीम बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि इसके कुछ इशारे अभी मिलने शुरू भी हो गए हैं और कुछ नेता ऐसे भी हैं कि इन तमाम विवादों के बाद भी यह कह रहे हैं कि बाबा निर्दोष हैं। एक कोर्ट सही नहीं हो सकती, करोड़ों जो समर्थक हैं वो गलत नहीं हो सकते। देखिए पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद राजनीति के इस रंग को भी दिखाएंगे। यौन शोषण को लेकर राम रहीम पर आए फैसले का असर हरियाणा और पंजाब की सियासत पर भी पड़ेगा और इस घटनाक्रम के बाद दोनों राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। हरियाणा और पंजाब में राजनीतिक दल के छोटे बड़े नेता डेरा प्रमुख से आशीर्वाद लेते रहे हैं। कई बार डेरा सच्चा सौदा ने चुनाव के दौरान सियासी दलों को खुलकर अपना समर्थन दिया है। पंजाब और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के भक्तों की संख्या करोड़ में है। ऐसे में डेरा का झुकाव किसी भी राजनीतिक दल की तरफ होने का मतलब साफ है। खास बात ये है कि डेरा प्रमुख राम रहीम खुद कभी राजनीतिक दलों के पास नहीं गए, बल्कि सियासी दलों के नेता वोट बैंक को देखते हुए उनके पास जाते रहे हैं, ताकि वो अपने समर्थकों का वोट उनके पक्ष में करा सके। देखा जाए तो राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए डेरे का भरपूर फायदा उठाया है। राम रहीम को मानने वालों की तादाद पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा है, लेकिन यूपी दिल्ली और राजस्थान में भी डेरा समर्थकों का प्रभाव है। ऐसे में राम रहीम का जेल जाना कई बड़े राजनीतिक समीकरणों को उलट पुलट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो राजनीति के रंग की बात चल रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाए जाने पर कहा है कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि कोर्ट शिकायतकर्ताओं की बात सुन रही है, लेकिन उन लाखों लोगों की बात नहीं सुन रही जो राम रहीम को भगवान मानते हैं। साक्षी महाराज ने कहा है कि सब कुछ भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। कैसे लिया जाए इस बयान को, इस पर आप सोचिएगा। पहले ये बयान देखिए। करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो एक की बात सुनी जा रही, करोड़ों की कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा? एक आदमी यौन शोषण का आरोप लगा रहा है, पूर्वाग्रही भी हो सकता है, कुछ लोभ लालच भी हो सकता है, और भारतीय संस्कृति की छवि को धूमिल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कर्नल क्रोध के साथ क्या हुआ, प्रज्ञा भारती के साथ, ठाकुर के साथ क्या हुआ? तो ये योजनाबद्ध तरीके से
ये साधु सन्यासियों ने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है। साक्षी महाराज भी बहुत विवादित रह चुके हैं, कई तरह के आरोप उन पर भी लग चुके हैं, और यदि साक्षी महाराज की बात मान भी लें तो आसाराम का क्या को क्या समझें, स्वामी नित्यानंद को क्या समझें। बहरहाल ये सोचने की बात है, सियासत ही समझ लिया जाए तो ये ज़्यादा सही रहेगा, अगर इसे आगे न बढ़ाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। फिलहाल की स्थिति ये है कि लगभग 32 लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों की संपत्ति फूंकी जा चुकी है, जगह जगह लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, 4 राज्यों में बुरी तरह से इनके कहर का असर है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसे सुधरती है और सरकार क्या करती है आम जनता के दुखों को दूर करने के लिए। बहरहाल हम देश की बात में अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहली बार सांसद के रूप में संसद में आज शपथ ली। गुजरात से चुने गए शाह को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। शाह के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शपथ ली है। खास बात यह रही कि स्मृति ईरानी ने संस्कृत में शपथ ली। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहली बार राज्यसभा सांसद बने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर संस्कृत में शपथ ली। यह राज्यसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि, ईश्वरस्य नाम्ना शपेयः। अमित शाह और स्मृति ईरानी इस महीने की शुरुआत में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुनकर आए हैं। शाह इससे पहले 5 बार गुजरात से विधायक रह चुके हैं, जबकि स्मृति ईरानी पहले भी राज्यसभा सांसद रही हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के 12 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली थी। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सुषमा स्वराज, उमा भारती और हर्षवर्धन ने संस्कृत में शपथ ली थी। अमित शाह के राज्यसभा में आने के पीछे पीएम मोदी की अपनी सोच है। बीजेपी राज्यसभा में अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है, हालांकि वहां पहले ही अरुण जेटली से कद्दावर नेता मौजूद हैं, लेकिन अमित शाह की छवि एक दबंग नेता की है। माना जा रहा है कि पार्टी शाह के इस्तेमाल के लिए किसी खास रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो बीजेपी जहां अपने आप को मजबूत कर रही है और 2019 के लिए तैयारी कर रही है, संसद से लेकर सड़क तक वो ऐसी स्थिति बनाना चाह रही है जिससे अमित शाह का जो सपना है 360 प्लस का वो पूरा हो सके, उधर विपक्ष है वो पस्त दिख रहा है। विपक्ष एकजुट होने में कामयाब ही नहीं हो पा रहा। 27 अगस्त को विपक्षी एकता के लिए पटना में बुलाई गई आरजेडी की रैली में मायावती के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नहीं शामिल होंगे। खबर है कि राहुल निजी काम से नॉर्वे जा रहे हैं। वैसे मायावती के रैली में शामिल नहीं होने के कई सियासी मायने निकालने लोग लगे हैं। देश में या फिर यूपी में गैर बीजेपी महागठबंधन बनने का ख्वाब पूरा हो पाना आसान नहीं दिख रहा। गठबंधन को लेकर बीएसपी के सीटों के सम्मानजनक बंटवारे की बात कहकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की बेचैनी बढ़ी है। आरजेडी की पटना रैली में शामिल होने से बीएसपी प्रमुख मायावती ने न केवल इनकार किया बल्कि यूपी में एंटी बीजेपी फ्रंट बनने की उम्मीदों को भी झटका दिया है। गठबंधन से पहले ही सीटों का बंटवारा करने की शर्त पूरा हो पाना आसान नहीं है। बीएसपी के इस फैसले के बाद यूपी में उसकी चिर प्रतिद्वंदी सपा को मायावती की पार्टी पर आरोप लगाने का बहाना मिल गया। सपा का कहना है कि बीएसपी ने जानबूझकर महागठबंधन की राह में रूड़ा अटकाने की कोशिश की। पटना रैली में मंच साझा कर विपक्ष की एकजुटता से जनता में संदेश जाता और बीजेपी के हौसले पस्त होते, लेकिन बीएसपी ने ऐसा नहीं किया। मायावती न केवल पटना रैली से खुद को अलग कर रही हैं, वरन सीटों के बंटवारे का ऐसा प्रश्न उठा रही हैं, जिसका समाधान आसान नहीं है। वैसे देखा जाए तो बीएसपी प्रमुख ने सीटों के सम्मानजनक बंटवारे का सवाल यूं ही नहीं उठाया। दरअसल मायावती को अपने वोट बैंक के खिसकने का खतरा भी सता रहा है। बीएसपी का मानना है कि यदि पटना रैली में शामिल होने से महागठबंधन का संकेत दलितों में जाएगा तो इसका पहला सीधा प्रभाव यूपी में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव पर पड़ेगा। बीएसपी पहली बार हाथी निशान पर नगर निकाय चुनाव में जोर आजमाइश करने उतरेगी। निकाय चुनाव की परीक्षा से पहले बीएसपी ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती जिससे उसके वोट बैंक में भटकाव की आशंका बढ़े। बीएसपी ने 1993 में सपा और 1996 में कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ा। पार्टी का मानना है कि 1993 में दलित वोट बैंक से समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचा और 1996 में कांग्रेस को जीवन दान भी बीएसपी से गठबंधन करने पर ही मिला।
दोनों ही दलों ने चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ दिया और बीएसपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। गेस्ट हाउस कांड के बाद से सपा और बीएसपी के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई कि दोनों के वोट बैंक का एक साथ आना आसान नहीं है। बीएसपी नेतृत्व सहारनपुर में भीम आर्मी को मिले कांग्रेस के खुले समर्थन से भी नाराज है। उधर गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी में भी एक राय नहीं है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन का कड़ा विरोध किया। उधर शिवपाल खेमा भी गठबंधन का पक्षधर नहीं है। दोनों नेताओं का मानना है कि गत विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना बेहतर रहता। पटना रैली को लेकर के भी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल उत्साहित नहीं है। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पटना रैली में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो जैसा हमने आपको बताया कि लालू की रैली में मझधार में छोड़ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नॉर्वे की यात्रा पर निकल गए हैं। ओस्लो में राहुल गांधी वहां के प्रमुख राजनीतिक नेताओं और व्यवसायियों से मिलने वाले हैं। राहुल गांधी रविवार को पटना में होने वाली लालू प्रसाद की विपक्ष की रैली में भाग नहीं लेंगे। हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधि इस रैली में भाग लेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि बीएसपी के भी प्रतिनिधि इस रैली में भाग लेंगे और बहुत संभव है कि सतीश मिश्रा इस रैली में होंगे। पर जिस तरह की ताकत चाहते थे लालू प्रसाद यादव अपनी इस रैली के अंदर, वो ताकत शायद नहीं दिखे। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम विपक्षी चेहरों को इस मंच पर लाया जा सके। उधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को 19 सितंबर तक विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। विधान परिषद के चुनाव में जीत के बाद सिर्फ 4 ही सदस्य विधानमंडल में पहुंचेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मंत्रिमंडल से किसकी छुट्टी होगी। चर्चा तेज है कि या तो स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर शिकायतों के चलते मोहसिन रजा की मंत्रिमंडल से छुट्टी की जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के 5 लोगों को सरकार में बने रहने के लिए 19 सितंबर के पहले विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने विधान परिषद की 4 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी की है उसकी आखिरी तारीख 18 दिसंबर है। यह महज संयोग हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए यह सबसे बड़ी जरूरत थी। 4 रिक्त सीटों पर उपचुनाव होना है जबकि दावेदार 5 है। ऐसे में किसी एक का किनारे होना तय है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मंत्रिमंडल से किसकी छुट्टी होगी। 325 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी की 19 मार्च को जब सरकार बनी तो शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री मोहसिन रजा विधान मंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। अब इन सबको सरकार में रहने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के बाद जानकारों का कहना है कि अब अगर विधान परिषद का कोई सदस्य इस्तीफा भी देगा तो निर्धारित अवधि के पहले उपचुनाव की अधिसूचना नहीं हो सकती है। वैसे कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट विधायक मथुरा पाल के निधन से रिक्त है, लेकिन उसके उपचुनाव की अधिसूचना के लिए भी समय नहीं बचा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर विधान परिषद के रिक्त 4 सीटों पर किसका समायोजन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा चौंकाने वाले फैसले किए हैं और अब बीजेपी जो भी फैसला करेगी उसकी डोर 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जुड़ी होगी। ऐसे में संभव है कि संगठन में विशेष पकड़ रखने वाले स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। स्वतंत्र देव मौजूदा समय में प्रदेश महामंत्री भी हैं। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे प्रदेश की नब्ज जानते हैं। हाल के चुनावों में मोदी और अमित शाह की रैलियों के प्रबंधन में भी उनकी भूमिका रही है। स्वतंत्र देव को यूपी बीजेपी की कमान इसलिए भी सौंपी जा सकती है क्योंकि पार्टी को एक तरफ बिहार में उन्हीं की कुर्मी बिरादरी के नीतीश कुमार का साथ मिल गया है तो वही दूसरी तरफ सपा का प्रदेश नेतृत्व कुर्मी बिरादरी के नरेश उत्तम पटेल के हाथ में है। प्रदेश में पिछड़ों में यादवों के बाद कुर्मी बिरादरी सबसे प्रभावी है। पिछले दिनों जब विधान परिषद से सपा के यशवंत सिंह, बुक्कल नवाब, सरोजनी अग्रवाल, अशोक वाजपेयी और बीएसपी के ठाकुर जयवीर सिंह और अंबिका चौधरी ने इस्तीफा दिया तो माना गया कि बीजेपी ने अपनी जरूरत से ज्यादा 6 सीटों का इंतजाम कर लिया, लेकिन चुनाव आयोग के एक नियम ने पेच फंसा दिया। 1 साल से कम अवधि की वजह से अंबिका चौधरी और जयवीर सिंह की सीट पर उपचुनाव नहीं हो सकते। दरअसल इस्तीफा देने वाले ठाकुर जयवीर सिंह और अंबिका चौधरी का कार्यकाल अगले साल 18 मई तक ही बचा हुआ था। 1 साल से कम समय की स्थिति में चुनाव आयोग के पास संबंधित सीट पर चुनाव न कराने का अधिकार है।
जिससे क्रम न बिगड़े, इसलिए आयोग ने इन दोनों सीटों पर चुनाव न कराने का फैसला किया है। ऐसे में पांचवी सीट न खाली होने के चलते एक मंत्री की कुर्सी फंसती हुई दिख रही है। अगर स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो सरकार के इकलौते मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा को विश्राम दिया जा सकता है। उनकी जगह किसी नए चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है जिसके पास 6 महीने का सदस्य बनने के लिए वक्त होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैदर अब्बास चांद का नाम इसके लिए चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राज्य में बाढ़ का प्रकोप जारी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं और हजारों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद में हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया। बाढ़ से यूपी बेहाल है। नेपाल से आए पानी से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। सीएम योगी ने गोरखपुर और आसपास के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ के कारण उपजे हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री बांटी। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भी पीड़ितों की मदद की अपील की है। पहली प्राथमिकता हमारा बचाव का है। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, उन्हें भोजन पैकेट की उपलब्धता, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, उनके लिए अस्थायी रुकने की व्यवस्था, ये सारी चीजें पहली प्राथमिकता में उनको उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराना, प्रदेश सरकार हर संभव उन्हें मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के अलावा कैंपियरगंज, मानीराम क्षेत्र के रामपुर और गोपालपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ से यूपी में हाहाकार मचा है। फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, सीतापुर और पीलीभीत जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के चलते अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुंचाया गया तो वहीं बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने घर बार छोड़कर पलायन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। चौबीस 25 सितंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इससे पहले जुलाई में ये बैठक विशाखापट्टनम में प्रस्तावित थी लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की वजह से टाली गई थी। अगले साल सितंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, इसलिए इस बार की बैठक बेहद अहम है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सृजन घोटाले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधान परिषद में हंगामा करने वाले 4 राजद MLC को मार्शल ने सदन से बाहर निकाल दिया, जबकि इससे पहले कांग्रेस के विधान पार्षदों ने सदन का दूसरी पाली में बाढ़ के मुद्दे पर बहिष्कार किया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही चली। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट अगले हफ्ते तक जारी हो सकती है। इस रिपोर्ट के जरिए RBI नोटबंदी के बाद देश के बैंकिंग सिस्टम में आए कुल जाली नोटों का आंकड़ा भी पेश कर सकता है। बीते आंकड़ों में मामूली मात्रा में नोट जमा होने के संकेत मिले थे लेकिन इनका आंकड़ा कुछ और बड़ा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी ब्लू लाइन सर्विस के 50 स्टेशनों पर हाई स्पीड मुफ्त वाईफाई सर्विस लॉन्च कर दी। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के यात्री अब द्वारका सेक्टर 21 और वैशाली या नोएडा सिटी सेंटर स्टेशन पर फ्री वाईफाई का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। लगातार हो रहे ट्रेन हादसे के बीच मायानगरी में लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। अंधेरी CST रूट की लोकल के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 5 लोग घायल हुए। हार्बर लाइन की सेवाओं पर असर पड़ा। हादसा माहिम स्टेशन के बाद सुबह करीब 9:55 पर हुआ। उधर देश में पहली बार 200 रुपए के नोट का दीदार किया देश ने और 200 के नए नोट की एक झलक पाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग घंटों लाइन में लगने के बाद 200 के नए नोट से रूबरू हुए। देश के इतिहास में पहली बार जारी किए गए 200 के नोट को पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखाई पड़ा।
लोगों ने घंटों तक आरबीआई के सामने लाइन में खड़े होकर 200 रुपए के नोट के लिए इंतजार किया। आरबीआई द्वारा जारी किया गया 200 रुपए का नोट चमकीले पीले कलर का है और उच्च सुरक्षा के मानकों को पूरा करता है। रिजर्व बैंक ने 200 रुपए के नोट के साथ ही 50 रुपए का नया नोट भी जारी किया। सर सुबह 8:30 बजे आए हैं इस नोट के फर्स्ट लुक देखने के लिए। हम खुश नसीब है कि हमें नोट मिला। 500 रुपए से छोटा है सर, ये सीरियल वाइज छोटा होता जा रहा है। सबसे बड़ा 2000, उसके बाद 500, उसके बाद 200, उसके बाद 50। सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, इसी के लिए आए हुए हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी कि आज आरबीआई गड्डी इशू करेगा, लेकिन उन्होंने 20 ही नोट दिए हैं। हम तो पैकेट की उम्मीद लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 20 ही नोट दिए हैं। 200 रुपए के नए नोट में देवनागरी में 200 रुपए अंकित होगा, बीच में महात्मा गांधी की फोटो होगी, सुरक्षा धागे में भारत और आरबीआई लिखा हुआ है, नोट के दाईं और निचले हिस्से में रुपए 200 लिखा हुआ है, जिसका रंग नोट को हिलाने डुलाने पर हरे से नीले और नीले से हरा हो जाता है। दाईं ओर अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह है। 200 और 50 रुपए के नोट का रंग पहले के नोटों के मुकाबले बेहद अलग है, इसे लेकर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रंग अजीब रंग है, चूरन वाले नोट नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं है। जैसे बच्चे वो चूरन वाले नोट नहीं मिलते, वो चूरन वाले नोट है ये। तो आज तक के कलर नोटों में सबसे डिफरेंट कलर है, सबसे अच्छी बात है। एक इसमें आपका ऑरेंज कलर है और आपका ये मरीन कलर है, एक्वा मरीन कहते हैं इसको कलर्स में। 200 का नोट आने के बाद अब देश में 10 तरह के नोट चलन में आ गए हैं। इन नोटों में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट शामिल हैं। नोटबंदी के वक्त सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया था। नोटबंदी के बाद बाजार में अब दो नए नोट आ गए हैं। 2000 का नोट पहले ही मार्केट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के गैर कार्यकारी चेयरमैन बनाए गए नंदन नीलकणी ने कहा है कि वह कंपनी में स्थायित्व लाने पर ध्यान देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी के भीतर कोई मनमुटाव न हो। उन्हें पिछली रात ही यह पद दिया गया है। इन्फोसिस के संचालन की जिम्मेदारी मिलने के कुछ ही घंटे बाद नीलकणी अब तक हुई क्षति की भरपाई की कोशिशों में जुट गए हैं ताकि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बना रहे। कंपनी के संचालन में अनियमितता के आरोपों के कारण संस्थापकों और प्रबंधन के बीच चल रही खींचतान के चलते इन्फोसिस पिछले कुछ महीने से संकट में घिरी गई है। नीलकणी ने कहा है कि इन्फोसिस की रणनीति और आय पर टिप्पणी करना उनके लिए अभी जल्दबाजी होगी। साथ ही कहा कि इन्फोसिस में कंपनी संचालन के सर्वोच्च मानकों को लागू करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। इन्फोसिस में 10 साल बाद नंदन नीलकणी की फिर से एंट्री हो गई है। इन्फोसिस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदन नीलकणी को कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। विश्वास सिक्का के इन्फोसिस के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद कंपनी को स्थायित्व देने के लिए नीलकणी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस्तीफा देने की लिस्ट में दो और नाम जुड़े। विश्वास सिक्का के बाद आर शेषया और रवि वेंकटेशन ने भी इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आर शेषैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। शेषैया कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पद छोड़ दिए हैं। विशाल सिक्का के साथी जेफरी लीमैन और जॉन एचमेंडी ने भी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया है। आधार परियोजना को लेकर चर्चा में रहे नीलकणी मार्च 2002 से अप्रैल 2007 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उसके बाद वो केंद्र सरकार के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख बनाए गए थे। पिछले सप्ताह इन्फोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ विशाल सिक्का ने कंपनी के संस्थापक प्रवर्तकों के साथ संबंध बिगड़ने के चलते अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। हालांकि नीलकणी ने सिक्का को उनके 3 साल के कार्यकाल के लिए बधाई दी है। 2 जून 1955 को कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलकणी ने IIT मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की। 1978 में पटनी कंप्यूटर से करियर की शुरुआत की। यहां उनका साक्षात्कार लेने वालों में नारायण मूर्ति भी थे। 1981 में नीलकणी और मूर्ति के अलावा 5 अन्य लोगों ने पटनी को छोड़कर इन्फोसिस की नींव रखी। 2002 में मूर्ति के बाद नीलकणी ने सीईओ की कमान संभाली। 2002 से 2007 के बीच जब नीलकणी कंपनी के सीईओ थे तब कंपनी का 42% राजस्व बढ़ा। इसके अलावा नीलकणी के कार्यकाल में इन्फोसिस की मार्जिन में 28% वृद्धि हुई। दिशा बेस्ट, APN। उधर केंद्र सरकार की नीति निर्धारित करने वाली अहम संस्था नीति आयोग ने अपने लिए अगले 3 साल का एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान में विकास से जुड़े हर एक क्षेत्र पर जोर देने की बात कही गई है और ये पहली बार है जब नीति आयोग ने अपने लिए कोई लक्ष्य तैयार किया है। और इस लक्ष्य को किस तरह से पाया जाएगा,
ये अभी तैयार नहीं है, ये राह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पनगढ़िया के जाने के बाद नीति आयोग जिस तरह से तेजी से आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। केंद्र सरकार की नीति निर्धारित करने वाली अहम संस्था नीति आयोग ने अगले 3 साल के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। वित्तीय साल 2017-18 से 2019-20 तक के लिए एक्शन प्लान के जरिए नीति आयोग और केंद्र सरकार की तैयारी देश में 24 घंटे बिजली, सस्ता डीजल और पेट्रोल उपलब्ध करवाने की है। केंद्र सरकार के मुताबिक नीति आयोग के इस 3 साल के एक्शन प्लान के जरिए न्यू इंडिया के लिए रास्ता तैयार करना है। आयोग ने अपने एक्शन प्लान को अप्रैल 2017 में पूरा कर लिया था, जिसके बाद इसे राज्यों से सलाह के लिए रखा गया था। अब कई राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के बाद एक्शन प्लान को जारी कर दिया गया है। नीति आयोग अगले 3 सालों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, रक्षा, रेलवे, राजमार्ग पर अपना खर्च बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करेगी। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग अस्तित्व में आया। इसे सरकार का सबसे अहम थिंक टैंक माना जाता है। केंद्र ने नीति आयोग से 15 साल 7 साल के विस्तृत प्लान के साथ साथ 3 साल का एक्शन प्लान देने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर निजता को मूल अधिकार बनाने के फैसले का बीफ बैन के मामलों पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में बीफ बैन से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने कल ही निजता को मौलिक अधिकार करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सरकारें ये नहीं तय कर सकती कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। जस्टिस AK सीकरी ने इसी फैसले का हवाला देते हुए बैन पर असर पड़ने की टिप्पणी की है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। कई राज्यों में बीफ पर बैन लगा दिया गया है। जजमेंट में भी 377 पे भी काफी कुछ कह दिया है, तो वो भी एक पर्सनल कंडक्ट का ही पैरामीटर है। तो क्या खा रहे हैं आप, किस तरह से कर रहे हैं, ये सब चीजें भी होगी। पर अभी इसके कई सारी व्याख्या होनी जरूरी है, क्योंकि आज एक डिस्कशन में बात आ रही थी कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो मना कर दें कि हम डिस्क्लोजर नहीं देंगे, हमारी प्राइवेसी है। तो पब्लिक गुड में उस प्राइवेसी को कहीं ना कहीं गिव वे तो देना ही पड़ेगा। तो ये अब बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है, देखेंगे कि बैलेंस। उधर चंडीगढ़ के 10 साल की रेप पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि वह पीड़ित और उसके परिवार को तुरंत 1 लाख रुपए का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि पीड़ित और उसके परिवार की पहचान गुप्त रखी जाए। कोर्ट ने कहा है कि अगर पीड़ित या परिवार के किसी सदस्य की पहचान उजागर होती है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने यह कहा है कि पीड़ित को दी जाने वाली बाकी राशि फिक्स डिपॉजिट में रखा जाए। पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है। 10 साल के इस रेप पीड़ित ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। 26 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन की मंजूरी नहीं दी थी। उधर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने इस साल जून में नोटिफाई किए गए नए नियमों को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नए नियम ट्रिब्यूनल के काम में दखल हैं और इसके जरिए सरकार ट्रिब्यूनल को रक्षा मंत्रालय के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि नए नियमों के मुताबिक अब ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति में रक्षा सचिव की भूमिका होगी और वह ट्रिब्यूनल के सदस्यों के खिलाफ जांच का आदेश भी दे सकेगा और उन्हें हटाने में भी भूमिका निभाएगा। अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सिफारिश पर ही ऐसा किया जा सकता था। साथ ही न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की सुविधाएं भी कम कर दी गई हैं। जस्टिस JS खेहर के 7 महीने के कार्यकाल को खास तौर पर 3 तलाक और निजता से जुड़े फैसले के लिए याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आज प्रधान न्यायाधीश JS खेहर को विदाई दी गई। जस्टिस खेहर के कामकाज का आखिरी दिन था आज। वह 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। देश के नए प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा 28 अगस्त को शपथ लेंगे। शुक्रवार प्रधान न्यायाधीश JS खेहर के कामकाज का आखिरी दिन रहा। यूं तो वह 27 अगस्त को रिटायर होंगे, लेकिन शनिवार और रविवार छुट्टी होने की वजह से शुक्रवार को वो आखिरी बार कोर्ट में बैठे। कार्यकाल के आखिरी हफ्ते में संवैधानिक पीठ की ओर से 2 फैसले दिए गए। दोनों पीठों के अध्यक्ष जस्टिस खेहर ही थे।
और तलाक और निजता पर फैसले के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने साथी जजों और वकीलों से मिले सहयोग का आभार जताया और बार की सराहना भी की। आई मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड माई एप्रिसिएशन फॉर द ट्रेमेंडस वर्क द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज डन ड्यूरिंग दिस लास्ट 8 months. We have not always been in agreement, but I tell you, they have worked hardest and they have pushed themselves farthest to get whatever they could get. They also overlooked a lot of my failings when we ventured to introduce the paperless court system. They supported me solid. संबोधन के बाद जस्टिस खेहर ने न्यायपालिका को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। I don't want to talk anything about the judiciary now. I was the chief justice. I was supposed to do all that I was supposed to do, and I have no business to talk after I have deliberated. विदाई समारोह में देश के अगले प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जस्टिस खेहर कभी ना थकने वाली शख्सियतों में हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो सक्रिय दिखाई देंगे। जस्टिस खेहर इज नॉट गोइंग टू रेस्ट। आई एम गिविंग द रीजंस देयरफॉर। आई कैन नॉट एवर कंसीव दैट जस्टिस खेहर वुड अलाउ हिमसेल्फ रेस्ट बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ही माइट फील रेस्टलेसनेस व्हाइल रेस्टिंग। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि जस्टिस खेहर एक बेहतर निष्ठावान जज रहे हैं। जस्टिस खेहर ने साथी जजों को गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई के लिए सहमत किया। अगर ऐसा ना होता तो ट्रिपल तलाक जैसा बेहतरीन फैसला नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि निजता के अधिकार को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतरीन है, जिसका देश के हर एक नागरिक ने स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन के बीच जारी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चीन लगातार भारत को धमकी दे रहा है और युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ दिख रहा है। उधर भारत भी अपनी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत की तैयारियों से चीन घबराया भी दिख रहा है। लिहाजा अब चीनी जंगी बेड़े ने पश्चिमी हिंद महासागर में लाइव फायर ड्रिल की है। चीन ने अपनी समुद्री मारक क्षमता का बेहतर बनाने के लिए यह ड्रिल आयोजित किया। डोकलाम विवाद पर चीन की तमाम धमकियों के बावजूद भारत ने तय कर लिया है कि वो बिना ड्रैगन के पीछे हटे अपनी जगह खाली नहीं करेगा। इतना ही नहीं, भारत ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास सड़क बनाने का भी फैसला किया है। ये वही जगह है जहां इसी महीने दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन भारत के इस फैसले से बौखला उठा है और उसने इसे चीन को उकसाने वाला कदम बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि पेंगोंग झील से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर सड़क बनाने के भारत के फैसले से पता चलता है कि भारत कहता कुछ और करता कुछ है। 15 अगस्त के दिन लद्दाख के जिस इलाके में भारत और चीन सेना के बीच तनाव पैदा हुआ था, वहां भारत ने 32.9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का फैसला लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने उस इलाके में सड़क बनाने को मंजूरी दी है, जिसका एक तिहाई हिस्सा बॉर्डर से भारत की तरफ है और वो एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। चीनी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का ये फैसला सिक्किम में सड़क बनाने को लेकर जून में भारत के साथ पैदा हुए तनाव को और ज्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि डोकलाम पठार में भारतीय सैनिकों ने चीन को सड़क बनाने से रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक समूह सैमसंग के उपाध्यक्ष और उत्तराधिकारी ली जे यंग को भ्रष्टाचार के मामले में दक्षिण कोरिया की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। ली जे यंग के पिता ली कुन फिलहाल सैमसंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें इसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस मामले में 6 महीने तक सुनवाई करने के बाद सियोल की एक जिला अदालत ने कहा है कि ली जे यंग ने तत्कालीन राष्ट्रपति पाक ग्वेन हे का समर्थन पाने के लिए पैसे दिए थे। एक और भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या हैं, जो बैंकों का हजारों करोड़ रुपए दबाकर देश से फुर हो गए। और दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में सैमसंग के वाइस चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट ने सजा सुनाई।
साउथ कोरिया की सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सैमसंग के वाइस चेयरमैन ली जे योंग को रिश्वत देने के जुर्म में 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुएन हे पर भी आरोप है। आरोपों के चलते पार्क गुएन हे को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग के उत्तराधिकारी ली जे योंग को रिश्वत लेने, अदालत के सामने गलत बयान देने और अन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। ली जे योंग पर विदेश में संपत्ति छिपाने और पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुएन हे की करीबी चोय सून सील को 200 करोड़ रुपए घूस देने का भी आरोप है। योंग को रिश्वत देने, गबन और झूठी गवाही के मामले में दोषी ठहराया गया है। योंग पर राष्ट्रपति से समर्थन हासिल करने के लिए $4 करोड़ यानी करीब 256 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश का आरोप है। इसके बदले उन्होंने 2 कंपनियों का विलय करने के लिए समर्थन मांगा था। योंग साउथ कोरिया के बड़े अमीर परिवार से आते हैं। साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था में सैमसंग का अहम रोल रहा है। कोर्ट का ये फैसला दक्षिण कोरिया के इतिहास में किसी बड़े व्यवसायी की सबसे बड़ी सजा मानी जा रही है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब खबर अच्छी है। देश की खातिर आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद होने वाले कानपुर के कैप्टन आयुष यादव के माता पिता ने अपने बेटे के जन्मदिन पर कुछ ऐसा किया जिसे देख और सुनकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। और ऐसी खबरों से ही हमारी और आपकी, जो हमारा और आपका विश्वास है, वो समाज पर बना रहता है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर देश के लिए अपना बेटा कुर्बान करने वाले माता पिता की अभिलाषा होती है कि उनके पुत्र की आत्मा को स्मारक बने। लेकिन इस साल कुपवाड़ा के आतंकी हमले में शहीद होने वाले कैप्टन आयुष यादव के माता पिता ने बेटे की यादों को संजोने के लिए उसके 26वें जन्मदिन पर जो कदम उठाया वो सराहनीय है। दरअसल कैप्टन आयुष के माता पिता उस सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जा पहुंचे जहां कभी उनका नौनिहाल पड़ता था। उन्होंने आयुष का जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाया। बच्चों को बाहर भेंट किए और फिर स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति से स्कूल में ही पढ़ने वाली एक गरीब परिवार की बच्चे की परवरिश का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया और इसके लिए प्रिंसिपल को चेक सौंपा। बच्चे के नाम से हम उनको गिफ्ट पैक, एक छोटा सा पेंसिल, रबर, स्केल, कटर, इस टाइप सा वो दे रहे हैं और उनको थोड़ा नाश्ता, ब्रेकफास्ट टाइप का हल्का सा वो हमने सब बच्चों को दिया। वो इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है LKG से लेके 12 तक, तो गरीब बच्चों के लिए हमने क्या करते हैं। और इसको बेटियों से ज़्यादा उसको लगाव था, किसी भी, कोई भी बेटी हो किसी से भी, इसीलिए हम बेटी को अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस मनी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्कूल फी ऑफ ए पुअर चाइल्ड हु इज स्टडीइंग इन UKG नाउ। किसी शहीद सैनिक के माता पिता से इस तरह के सकारात्मक कदम की ही उम्मीद की जा सकती है। गरीब बच्चे की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी उठाने के उनके फैसले से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है और उनको सलाम भी करता है। उम्मीद है कि अपने शहीद बेटे की याद में वो जिस बेटी का लालन पालन करने जा रहे हैं वो भी एक दिन बड़ी होकर देश की सेवा करेगी। शिवा शर्मा, APN न्यूज, कानपुर। और बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। अठारह सौ सड़सठ में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार करने वाले भौतिकी विज्ञानी और रसायन शास्त्री माइकल फैराडे का निधन आज ही के दिन हुआ था। और 25 अगस्त 1992 में ब्रिटिश अखबार ने राजकुमारी डायना की बातचीत का ब्यौरा जारी किया था। इसमें उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से शादी पर नाखुशी जाहिर की थी। और 25 अगस्त 2003 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबा देवी मंदिर के पास हुए कार बम विस्फोट में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। और 25 अगस्त 2011 में श्रीलंका सरकार ने देश में घोषित आपातकाल को 30 साल बाद वापस लिया था। यह आपातकाल तमिल विद्रोहियों से संघर्ष के दौरान लगाया गया था। और 25 अगस्त 2012 में चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का निधन आज ही के दिन हुआ था। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।